सब बूढ़े परेशान हैं, बच्चे ने छोड़ दिया तो क्या होगा, बच्चों ने मर जाना और क्या होगा, फिर वो ही चिंता में लगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, कितने चिंता में। अमर बूटी पियोगे, जाओगे नहीं यहां से, किसी और का नंबर आने देना, फिर जब तक गाड़ी भरी होगी तो और यात्री कैसे आएंगे, सीट तो खाली करनी पड़ेगी। उस ट्रेन में भी टाइम के लिए रिजर्वेशन होता है, और स्टेशन पर जाकर के कोई पहुंच जाए, वो गाड़ी पहुंच जाए, और स्टेशन पर पहुंच करके भी जो ट्रेन में से ना उतरे तो लोग कहेंगे मूर्ख इधर आ, बाहर उतरता नहीं है, स्टेशन आ गया। और जिस दिन हम और आप स्टेशन पर पहुंचेंगे उस दिन रेल की सीट खाली करनी पड़ेगी। भले ही आपने फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों ना लिया है, सीट तो खाली करनी पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति रोए कि मैंने 3000 रुपए की टिकट ली और मेरी सीट खाली हो गई, अरे बंदा स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई है, सीट खाली करनी पड़ेगी, तो कई क्यों रो रहा है। तो वृद्धावस्था अंत में होती है तो समझ लो कि यात्रा पूरी हो गई है, अब सीट खाली करनी पड़ेगी, कई क्यों रो रहे हो। गीता बोलती है क्यों रो रहे हो, स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है, रेल से नीचे उतरते हैं तो अब ये देखा जाता है कि ऑटो पकड़े कि टेम्पू पकड़े कि कार पकड़े, खाई से जाएं जहां जाना है। वृद्धावस्था में पहुंच गए हो, यात्रा पूरी हो रही है, बस अब तो ये सोच लिए, अब तो ये देखो कैसे कृपा हो भगवान की, परमात्मा का गरुण लेने के लिए आवे, गरुण देव लेने। एक बात बताओ, कोई लेने के लिए आवे स्टेशन पर, दो पहिया वाले वाहन पर बैठ के जाओगे या चार पहिया वाले पर, एक बार बताओ। हाँ, दो पहिए पे और चार पहिए पे चलें तो अंदर एसी भी चलेगा, खिड़की भी बंद रहेगी, हैं? ब्लैक रंग की मस्टर्डी कौन सी होती है, मस्टर्ड क्या बोलते हैं, मुझसे नहीं आता है, काले रंग की चार पहिया वाले पे, बहुत लोग तो चार पहिया के लिए राजी हैं, लेकिन मैं तो दो पहिया वाले को ही पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि सड़क पर जाम ज्यादा होते हैं, मोटरसाइकिल चाहे जहां से निकल जाती है और जाम में चार पहिए वाली गाड़ी खड़ी रह जाती है, ऐसा होता है कि नहीं, तो फायदे में वही रहेंगे जो दो पहिया वाले वाहन का चुनाव करें। अब आ जाइए थोड़ा इधर, चार पहिए वाला वाहन यमराज का है, काले रंग की मर्सिडीज है उस पर भैंसा नहीं है चार पहिए का, है दो पहिए का वाहन भगवान नारायण का है, गरुणदेव। गरुणदेव भैया, हम तो दोपहिया ही यूज करेंगे, पसंद दोपहिया करेंगे, हम तो भगवान कृपा करे हमें हमें यमराज का फोर व्हीलर नहीं चाहिए, काली रंग की कार वो ही रखे, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ा गाढ़ा उसका, यमराज तो भैंसे ही लेके आएगा तो वो संभाले, और भैंसे पर बैठ कर भैंसे को कितना अशुभ माना जाता है, बहुत लोग तो कहते नहीं हम चार पहिए में, तो तुम जाओ चार पहिए में, हम नहीं जाते, हम तो स्टेशन पर खड़े खड़े ये देखेंगे दो पहिया वाली मोटरसाइकिल किधर से आ रही है, दो पहिए का वाहन भगवान नारायण का गरुण है, भगवान के गरुण पर बैठ करके जाएंगे कि यमराज का भैंसा जिसको चाहिए वो ले लेना, हमें नहीं चाहिए। गुरु महाराज की कृपा, सदगुरुदेव की कृपा होगी तो नारायण का टू व्हीलर ही आएगा, बिल्कुल उसकी कृपा की इतनी बड़ी ताकत है। आइए दो पंक्तियां गाएंगे, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, गाएंगे